तो आज आ चुके हम गागरोनी मेटल की कंपनी में। यहाँ आज हम आपको बताएंगे जो सादा मिक्सर मशीन है वो उसकी स्पेसिफिकेशन कितनी है, कितने एचपी का इसमें डीजल इंजन लगा है, कितने की ये मशीन एवरेज देती है, इस मशीन की कॉस्ट कितनी है, और या जो इसमें डिलीवरी चार्ज आता है वो कितना आता है, ये पूरी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूरी इस चीज़ की जो डेप्थ बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ कितने कितने एमएम की लगी हुई है, कितने बेयरिंग है, कौन सी कंपनी का बेयरिंग है, और कितनी हैवी ड्यूटी हमने ये मशीन बना के आपको प्रोवाइड करी है, वो भी रिजनेबल रेट में। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और इस मशीन की आपको पूरी डिटेल बताएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मशीन के डीजल इंजन से, क्योंकि क्या रहता है कि जो मशीन की पावर देता है वो डीजल इंजन ही देता है। आपकी मशीन की सबसे ज़्यादा हेल्थ डीजल इंजन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये आपका कितना एवरेज देता है ये इंजन और कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करता है। सबसे पहले जो हम सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ब्रांड रहती है हमारी वो रहती है फील्ड मार्शल की। ये 8 HP का डीजल इंजन है फील्ड मार्शल कंपनी का, जो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। एयर कूल्ड इंजन है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और दूसरा क्या रहता है कि ये इंजन की सबसे खास बात ये है कि जो इसका एवरेज है 1.5 से 2.25 घंटे के अदर या मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर 1 लीटर का कंजप्शन रहता है। और हम ये मशीन के नीचे ऐसा छोटा टूल बॉक्स भी बना के देते हैं जिसमें आपके सारे सामान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं मशीन के अपने जो इंजन या मोटर लगी हुई है उसकी सेफ्टी की। तो ये हमने केबिन बना रखा है, ये 1 हैंड से लॉक हो जाता है। ये पूरा आप गेट को लॉक करेंगे तो ये पूरा लॉक हो जाता है। आप इसे लॉक करेंगे तो गेट कोई सा भी नहीं खुलेगा। आप देखिए, खींच के बताएं, इधर का भी खींच, उधर का, और नीचे का जो इसका टूल बॉक्स है ये भी बिल्कुल। और अब बात करते हैं मशीन के टायर क्वालिटी की। हम इसमें जो रिम लगाते हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू रिम है, और जो टवेरा गाड़ी में लगती है ये 15 नंबर के टायर हैं, इसमें 16 नंबर की भी रिम आती है। और ये रिमोन टायर है, बहुत अच्छी हैवी क्वालिटी के रहते हैं, अपोलो के, MRF के, सबसे बढ़िया क्वालिटी हम यही लगाते हैं मशीनों में। आप देख सकते हैं ओवरऑल टायर का लुक कितना अच्छा आ रहा है। और ये डिस्क बहुत हैवी वाली है, अब मैं इसे यहाँ से हाथ करके बताऊँगा तो बहुत हैवी क्वालिटी की डिस्क लगी हुई है। और इसमें जो बेयरिंग लगे हुए हैं ये NBC ब्रांड के और सबसे हैवी क्वालिटी के लगे हुए हैं, और इसमें पूरी सील दे रखी है ताकि इसमें ग्रीस, धूल, मिट्टी नहीं जा सके। अब बात करते हैं कि जो इसके अंदर पुली लगी हुई है वो भी बहुत हैवी क्वालिटी की, 22 इंच की पुली लगी हुई है। और दूसरा जो हम ये स्पिंडल बनाते हैं जिसमें गियर और पुली अटैच रहती है, इसमें 2 बेयरिंग इस जगह पे लगते हैं और 2 बेयरिंग इस जगह पे लगते हैं। बहुत हैवी क्वालिटी के बेयरिंग NBC ब्रांड के रहते हैं। और ये जो अपना झूला रहता है ये भी बहुत हाई एंड जो क्वालिटी की चैनलें आती हैं उसमें बनता है। और ये नीचे उतारने चढ़ाने का रहता है, जब आपके फ्यूचर में जैसे ये गियर रहते हैं ये घिस जाते हैं तो इसे हल्का सा नीचे उतारना पड़ता है, तो उसका पूरा नीचे उतारने का सिस्टम हमने बना के रख रखा है इसमें। हाँ, और ये जो स्टेयरिंग है इसका बहुत स्मूथली तरीके से काम करता है, जैसे आप देख सकते हैं एक हाथ से घुमा रहा है, बहुत स्मूथली तरीके से काम करता है इसका स्टेयरिंग, देखिए आप, बहुत स्मूथली तरीके से काम कर रहा है जैसा आपने वीडियो में देखा। अब बात करते हैं कि इसमें कितने कितने mm की चीज़ें लगी हुई हैं। अब ये मशीन के मिक्सर के अंदर का ओवरऑल है, ये 2 ब्लेड लगे हुए हैं जो MS के लगते हैं, और जो नीचे सबसे ज़्यादा प्लेट लगी हुई है गोल राउंड वाली वो लगी हुई है 12 mm अपने MS की लगी हुई है, 12 mm मेटल की। और फिर साइड में और ये वाली, ये जैसा आप ये देख पा रहे हैं ये वाली जो प्लेट लगी हुई है ये 8 mm की है, और ऊपर की ये टॉप वाली ये अपने 5 mm की प्लेट है, बहुत हैवी क्वालिटी की लगी हुई है। और ये ऊपर एक कड़ा लगा रखा है ताकि स्टेबिलिटी और अच्छी मिले मशीन को। बात करते हैं इस मशीन के टोचन की, मतलब आप जिससे आप इस मशीन को टो करके लेके जाते हैं, ये बहुत हैवी क्वालिटी की चैनल है और इसमें अंदर लगा हुआ MS ताकि आप जब इसे टो करके लेके जाएं तो ये हिस्सा अंदर का नहीं कटे, बहुत हैवी क्वालिटी के लगा हुआ, और डबल सिस्टम लगा रखा है, अंदर MS बाहर से एक और ग्रिप दे रखी सपोर्ट के लिए। और बात करते हैं इसकी बड़े गियर की, ये भी बहुत हैवी क्वालिटी का लगाते हैं, हम देख सकते हैं कितना मोटा है, बहुत हैवी क्वालिटी का लगा हुआ है। और दूसरा जो इसमें बहुत सारे लोग बुश वाली दे देते हैं, ये बुश वाली, ये हमने पूरी बेयरिंग वाली बना रखी है, और ये भी लॉक सिस्टम है ताकि आपकी जब मशीन चल रही हो और अगर ये झटके से खुल जाए तो आपका ड्रम नीचे लौट सकता है, तो हमने ये भी स्प्रिंग वाला सिस्टम लगा रखा ताकि लॉक रहेगा, बिल्कुल लॉक रहता है।
देख सकते हैं कि मशीन में बिल्कुल वाइब्रेशन गड़गड़ की आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी हेली क्वालिटी से हमने इसको सेट कर रखा है, कोई गड़गड़ की आवाज़ नहीं, खाली आपको इंजन की आवाज़ सुनाई में आ रही है। मशीन की जो चौड़ाई की, ये मशीन टायर से टायर बाहर से बाहर 5 फीट की चौड़ाई है इसकी, जो आपकी कई से पतली 5 फीट की गली में आराम से लग सकती है, कॉम्पैक्ट साइज है। और इस मशीन की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि चलने पे वाइब्रेशन और गड़गड़ की आवाज़ नहीं करती हमारी मशीनें, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा बिल्कुल गड़गड़ की आवाज़ नहीं आती है। बहुत हैवी क्वालिटी की मशीनें बनाते हैं हम और हाई स्टैंडर्ड की मशीनें रहती हैं। नो लोड और लोड कंडीशन में इसके RPM हम चेक करते हैं, हीट चेक करते हैं, सब जाके फिर टेस्ट करके हम आपको मशीन प्रोवाइड करते हैं। और अब इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, ये मशीन इंजन समेत जो प्राइसिंग आती है, तो प्राइसिंग जानने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करिए, क्योंकि क्या रहता है कि लोहे का भाव घटता बढ़ता रहता है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल करें और हम आपको पूरी डिटेल, पूरी हर एक ट्रांसपोर्टेशन से लेके एक एक चीज़ का पूरा बैकअप देंगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है मशीन में, अभी जैसा आपने देखा बहुत हाई क्वालिटी की हमारी मशीन है।